नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। ये व्लॉग मेरा टिहरी गढ़वाल पर है। मैं कुमाऊनी हूँ लेकिन बचपन से मुझे गढ़वाल के बारे में भी जानने की उत्सुकता रहती थी। ये मेरा पहला ट्रिप है जिसने मुझे काफ़ी अलग अनुभव दिए जिंदगी के। गढ़वाली हो या पहाड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर हैं तो दोनों पहाड़ी ही, बस वही काफ़ी है। अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता एक रूप से समान है, सिर्फ थोड़े बहुत रीति रिवाज अलग हैं, बस और कुछ नहीं। इन सभी बातों को जानते हुए मेरा इंटरेस्ट गढ़वाल की खूबसूरती को देखना भी था, तो मैं चली गई टिहरी गढ़वाल, टिहरी लेक। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि अगर मैं सब कुछ शॉर्ट में बता दूंगी तो शायद इस झील के छुपे हुए इतिहास से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे। एक प्रोफेशनल व्लॉगर की तरह तो मैं आपको पूरा टिहरी गढ़वाल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस झील को शूट करने के पीछे कुछ और था, जिसे मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए चलते हैं टिहरी गढ़वाल की तरफ। दिल्ली से हमें तकरीबन 10 घंटे पहुंचने में लगे, जबकि नॉर्मली सिर्फ 7 ही घंटे लगते हैं। हम हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए टिहरी गए थे, बट रास्ते में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इसलिए लेट हो गए। अब मैं आपको कुछ रास्ते की झलकियां दिखाती हूं कि कितना सुंदर नज़ारा मैंने देखा था ट्रैवलिंग के समय। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे मानो खुला आसमान आपके साथ साथ चल रहा है और आपसे बातें कर रहा है। कोविड ने बहुत कुछ दिखा दिया, सांसों की क्या कीमत होती है उसका एहसास भी करा दिया, लेकिन इस सफ़र ने मुझे फिर से रिफ्रेश कर दिया। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं ये बादल जो आपके साथ साथ पूरे रास्ते चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनली हरिद्वार और ऋषिकेश को क्रॉस करते हुए हम पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वाओ, कितना सुंदर है पहाड़ों पर ये सफर, खुला आसमान, अमेजिंग। आप देख सकते हैं अभी हमने पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू ही की है और मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, यानी कि शाम हो गई है। आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो रही थी तो हमें रुकना पड़ा। जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिली आगे से, तब तक सफ़र शुरू नहीं किया। ग्रीन लाइट मिलते ही हमने वापस से अपना सफ़र शुरू किया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिहरी गढ़वाल, टिहरी लेक। समय तकरीबन 6:30 बजे थे जब हम पहुंचे थे। मैं यहाँ क्यों गई, उसके पीछे रीज़न मेरा इस झील के पीछे छुपे इतिहास को देखना था, इस झील को अपनी आँखों से लाइव देखना था। आप सभी जानते हैं मेरा मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। जब मुझे पता चला टिहरी लेक के इतिहास के बारे में तो मैंने सोचा अगर इस झील का इतिहास इतना सुंदर है तो ये खुद कितनी सुंदर होगी, इसलिए चली गई दिल्ली से वहाँ अपनी फैमिली के साथ। अब मैं बताती हूँ इसके छुपे हुए इतिहास के बारे में। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर ध्यान एवं तपस्या की थी। जिले के मुनि के रीति और तपोवन प्राचीन ऋषियों के तपस्या स्थान हैं। उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नदियों और पर्वतों की भूमि भी है। टिहरी शहर भागीरथी एवं भिलंगना नदियों के संगम पर बसा एक छोटा सा शहर था। विश्व के बड़े बांधों में शामिल टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप टिहरी शहर पानी में डूब गया तथा टिहरी झील, जिसे आज सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण हुआ। टिहरी शहर को विस्थापित करके नई टिहरी शहर में बसाया गया है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में चर्चित है। 29 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण टिहरी नगर डैम में विलीन हो गया। जहां पर ये बांध बनाया गया है वहां पर कभी बहुत सारे गांव हुआ करते थे, जिनको वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।
जी हाँ, जिसे पुरानी टिहरी कहते थे। पुरानी टिहरी खुद में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। आज जिस झील में मैंने बोटिंग की, वहाँ कभी बहुत सारे गांव हुआ करते थे। ये सोचकर ही मेरी आँखों के सामने एक पल को अंधेरा सा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास हर बात का साक्षी होता है और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। इसलिए इस झील के पीछे के इतिहास को जानते हुए भी मैंने यहाँ बोटिंग की और इस झील की सादगी को फील किया। बहुत शांत है ये झील। मैंने काफ़ी समय यहाँ बैठकर बिताया, मेडिटेशन किया, योगा किया। अब ये झील न्यू टिहरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। माना कि वक्त के साथ पुरानी टिहरी सब पानी में जलमग्न हो गया, लेकिन आज भी पुरानी टिहरी शहर की कुछ यादें बची हुई हैं जो पानी के जल स्तर के कम होते ही वापस से तरोताजी हो जाती हैं। जैसे पुरानी टिहरी का घंटाघर, जिसे बनने में 3 साल लगे थे, आज भी जब झील का पानी कम होता है तो दिखाई देता है। आज भी कुछ घर और खेत ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं और पुरानी यादों को वापस से एक बार फिर से रोशन कर देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो झील इतनी शांत है, वहाँ कभी हंसता खेलता गाँव हुआ करता था, जो आज इस झील में डूब गया, जिनके डूबने की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज भी जो गांव डूब गए हैं, उनमें रहने वाले लोगों की आंखें नम हो जाती है जब वो वहां जाते हैं और देखते हैं इस झील को। उनकी धुंधली पड़ी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं। इसलिए ये झील इतनी शांत है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत से लोगों के दुखों को समाये हुए है, और मैं उन लोगों को बहुत करीब से जानती हूँ क्योंकि कुछ लोग आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं जिनकी यादें पुरानी टिहरी से जुड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ जाकर सच में बहुत अच्छा लगा, जिंदगी का अलग अनुभव देखने को मिला। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा भी ले सकते हैं, और अगर एडवेंचर करना अच्छा लगता है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एडवेंचर के लिए, जैसे स्पीड बोट राइड, जेट स्काई राइड, बनाना बोट सफारी एक्सेट्रा। मैंने यहाँ जेट स्काई राइड की, जिसकी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आप चाहें तो एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं इस टिहरी लेक को। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। अंत में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।